दिल्ली का व्यापारी वर्ग ऑड इवन के नियम से परेशान है। सदर बाजार के व्यापारियों ने ऑड इवन और वीकेंड कर्फ्यू को हटाने के लिए उपराज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों का आरोप है कि ऑड इवन और वीकेंड कर्फ्यू के कारण एक महीने में सिर्फ 8 या 10 दुकानें खुलती हैं, जिससे वो आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने उपराज्यपाल को ज्ञापन देकर राहत की मांग की है। खत्म करने की मांग को लेकर दिल्ली व्यापारी एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल आज एलजी को ज्ञापन देने के लिए पहुंचा है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, नाम बताइए। राकेश कुमार यादव, प्रेजिडेंट फेडरेशन ऑफ सदर बिहार ट्रेड एसोसिएशन। सर, आज आप ज्ञापन देने पहुंचे हैं, किस लिए पहुंचे हैं? देखिए, हमारा व्यापारी बहुत परेशान, बहुत मानसिक संतुलन बिगड़ रहा था उसका। दिल्ली सरकार ने ऑड इवन लगाया और कर्फ्यू भी लगाया। इसको हमने वक्त की नज़ाकत को समझते हुए एक्सेप्ट किया और पूरी तरीके से कोरोना के नियमों को पालन किया, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखा, सैनिटाइज़ किया, नैपकिन दिए, सब कुछ किया, मतलब जो सरकार DDMA ने दिया था। लेकिन कुछ हमने देखा कि हमारा व्यापारी केवल और केवल 10 दिन दुकान खोल रहा है। एक हफ्ते में 2 दिन खुलती है, अगले हफ्ते में उसकी 3 दिन खुलती है। इस तरीके से महीने में 10 दिन दुकान खुलती है, तो व्यापारी ना तो अपने एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह दे पा रहा है, ना लोगों के भुगतान कर पा रहा है पेमेंट के लिए, ना अपनी बीवी को घर का खर्चा चलाने के दे पा रहा है। और व्यापारियों के चेहरे हमें बता रहे थे कि जैसे किसान आत्महत्या करता था, ये इस कगार पर आ रहा है। तो हम लोग एक पैतृक संस्था होने के नाते पूरी टेंशन में आ गए थे। तो हमने इस बात के लिए सोमवार को काली पट्टी बांधकर, दिल्ली के समस्त व्यापारियों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के इस बात का विरोध किया कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना हमारा फर्ज है, व्यापार ठप करना हमारी ड्यूटी नहीं बनती। हमारा का हम आर्थिक तंत्र के प्रगति वीर हैं, हम टैक्स देना चाहते हैं और इसी से राज्य की प्रगति होती है, देश की प्रगति होती है। देखिए, हमने LG साहब को अपने लेटर में यही बात क्लियर की है कि सोशल डिस्टेंस करना, मेंटेन करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप हमारे बॉस हैं, हमारे चीफ हैं, आपके आदेशों का पूर्णतः पालन होगा और हम कर भी रहे हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस वाली बात, सोशल डिस्टेंस व्यापारी तो कर रहा है, हमारी दुकानें खाली पड़ी हैं, लेकिन पटरी वाले एजिटेड बैठे हैं। आप जाइए आज़ाद मार्केट में, आप जाइए कुतुब रोड पर, लाइन से पटरी लगी, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। देखिए, आज जो हमने ज्ञापन दिया है वो ये दिया है कि जिस प्रकार दिल्ली के 40 लाख व्यापारी बेरोजगार हो चुके हैं, उनके साथ उनकी लेबर भी, उनका परिवार भी इस समय बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। 2 साल से हम लगातार लॉकडाउन, इसी प्रकार की कोई ना कोई चीज़ों पर झेलते आ रहे हैं। आज हालत ये हो गई है कि हम बिल्कुल बेबस हो चुके हैं। हम सरकार से यही मांग करते रहे हैं, पहले दिल्ली सरकार से, कि भाई जो अपना वीकेंड कर्फ्यू है ऑड एंड इवन हटाया जाए। अब दिल्ली सरकार ने हटाया तो LG साहब ने रिजेक्ट कर दिया। तो LG साहब से हम निवेदन कर रहे हैं कि व्यापारियों की समस्या को देखते हुए इस प्रकार किया जाए कि जिसमें ये आने वाले टाइम में व्यापारियों को थोड़ी राहत मिल सके। तो हम कोरोना से मरे ना मरे, जो आर्थिक तंगी से हम अपने वैसे ही मर जाएंगे, मतलब इतनी हम टेंशन में आ चुके हैं, ये हालात हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि व्यापारियों का साफ कहना है कि हम कोरोना से मरे ना मरे, लेकिन हम कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी से ज़रूर मर जाएंगे। इसीलिए वो आज LG को ज्ञापन देने पहुंचे हैं कि ऑड इवन और वीकेंड कर्फ्यू को ख़त्म किया जाए। अब देखने वाली बात यह है कि आगे LG साहब इस पर क्या फैसला लेते हैं। अपनी सहयोगी भावना सिसोदिया के साथ आसिफ बॉबी, जनता न्यूज़ दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र TV ऐप को, जो कि अवेलेबल है Google Play और App Store पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।